मेलघाट में अप्रैल और मई के माह में भीषण गर्मी उमस से जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। जलस्तर तेजी से घट रहा है। इसके अलावा क्षेत्र से बहने वाली जीवनदायी नदियों की स्थिति भी चिंता से ग्रस्त बनी देखी जा रही है। कुछ दिनों से गड़गा नदी ने जल से पूरी तरह अपना दम तोड़ दिया था। सूखे में तब्दील हो चुकी गड़गा नदी ने किसान एवं नागरिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। परंतु बीते बुधवार से रोहनी खेड़ा स्थित गड़गा नदी में अचानक जल भरण होता नजर आया। इस जल ने सूखे से ग्रस्त गड़गा नदी की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। क्षेत्र के नागरिक और किसान हैरान हैं। यह सब कैसे हुआ और अचानक इतना पानी कहाँ से आया? ऐसा गड़गा नदी में पहली बार हुआ है। इस अनोखे चमत्कार की चर्चाएं परिसर में व्याप्त रहने के बीच क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल, ठेकेदार नौशाद अहमद, अशोक ठाकुर मित्र परिवार को मिलते ही उन्होंने भी रोहनी खेड़ा स्थित गड़गा नदी में हुए कुदरत के चमत्कार को देखकर नमस्कार किया। बता दें कि रोहनी खेड़ा गड़गा नदी के गंभीर स्थिति के चित्र बीते 2 सप्ताह पूर्व विदर्भ न्यूज ने लिए थे। मेलघाट की जीवनदायी सूखी नदियों के संदर्भ में खबर प्रकाशित की थी, लेकिन इस गड़गा नदी में अचानक हुए जल भरण की घटना ने सबको चौंका कर रख दिया है। देखने वाले सब अपना अपना तर्क वितर्क लगा रहे हैं। वहीं गड़गा नदी में जल भरण से नागरिक किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक देखी गई, तो वहीं मवेशियों को भी इस नदी से प्यास बुझाते एवं उपलब्ध जल से स्नान का आनंद उठाते देखा गया है। गड़गा नदी में किसी बारिश का पानी नहीं है और ना ही कोई तालाब का पानी इस नदी में छोड़ा गया है। मेलघाट में चक्रवात तूफान ने दस्तक दी है, लेकिन बेहतर बारिश की नोंद दर्ज नहीं है। विगत 3 सप्ताह से सूखे की चपेट में गड़गा नदी आज जल से मग्न होकर कुदरत के करिश्मा होने की गवाही दे रही है। इतना ही नहीं, इस कुदरत के चमत्कार को देखकर हर कोई नमस्कार करता नजर आ रहा है। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जायसवाल के साथ शकील अहमद, विदर्भ न्यूज़, धारणी।